रात यहाँ मेरी शादी होने वाली है और यहाँ ना तो एक लाइट है ना कोई डेकोरेशन। वेन्यू तो यही है लेकिन पता नहीं सब लोग कहाँ हैं। कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा? कोई है? विश नहीं करोगी तुम? किसका? किसकी बात कर रही हो तुम? सब्र हो रही हो तुम उससे मिलने के लिए? नहीं, स्टॉप इट। वो भी उतना ही बेसब्र है तुमसे मिलने के लिए। नहीं, और वो आ रहा है, सो लेट्स सेलिब्रेट। Thank you.
ये सपना नहीं था, ये तो सच था। आ नहीं, मैंने तो शादी का जोड़ा पहना था, ये सब क्या हो रहा है, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? चांदनी, चांदनी आई हो के? क्या हुआ तुम्हें? तुम चिल्लाई क्यों? ये देखो, ये क्या? ये चोट कैसे लगी तुम्हें? तुम लोग जाओ, मैं देखती हूँ। चांदनी क्या हुआ है? किम्मी, मैंने प्रिया को देखा, वो यहीं कहीं थी। प्रिया? हाँ किम्मी, प्रिया। चांदनी, तुम जानती हो प्रिया मर चुकी है। नहीं किम्मी, मैंने प्रिया को देखा है, वो मुझे ना उसके पास लेकर गई और वहां पर वही गाना वो गा रहा था। चांदनी, जस्ट रिलैक्स, रिलैक्स, चीयर अप। आज तुम्हारी शादी है और ये दिन तुम्हारी जिंदगी का सबसे खास दिन है। ओके, सुनो, ये सारे बुरे ख्याल आते ना, तुम विंडो के बाहर फेंक दो। ओके, चलो, गेट रेडी नाउ, तब तक मैं मैनेज कर लूंगी। चलो चलो चलो। टाइम भी हो गया। चांदनी दीदी, दीदी दीदी क्या कर रही हो अब तक? टाइम देखो, आप अभी तक रेडी नहीं हुए। आपको पता है सब रेडी हो गए और सब आ चुके हैं अभी तक। हाँ, मैं बस रेडी हो रही हूँ, लेकिन सिमरन, रोहन कहाँ है? अरे बॉस, अरे बॉस, ये क्या कर रहे हो यार? ऐसे करोगे? देखो, शाम को मेरी होने वाली बीवी मुझे कुछ कंप्लेंट ना करे, और उसको वहां भी लगाओ ना, वो जो एरिया खाली छोड़। रुको, मैं बताता हूँ आपको। जीजू, जीजू, होल्ड होल्ड, वैसे रुकना, फोटो ले ले दो, स्माइल करो ना। सो क्यूट। वैसे जीजू, पूरी दुनिया में आप इकलौते ऐसे दूल्हे होंगे जो खुद की शादी में इतनी सारी तैयारियां कर रहे हैं। सो मच एक्साइटमेंट। वैसे मैंने दीदी को बता दिया कि आप कितने एक्साइटेड हो। तूने चांदनी को बता दिया? और रोहन, अरे दूल्हे के बच्चे क्या कर रहा है यार तू? जाके तैयार हो, बाकी सारी तैयारियां हम कर लेंगे। अरे यार, कैसे होगा सब कुछ? रात को कॉकटेल पार्टी और इतना कम टाइम है हमारे पास। डोंट वरी गाइस, आपको किसी किस्म की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैंने सब तैयारियां कर दी। हाय, क्या हॉट स्टाफ मैनेजर है! ऐसी मैनेजर हो तो रिजॉर्ट तो कभी खाली ना हो। एक्सक्यूज मी, मेरा मतलब है कि रिजॉर्ट की मैनेजर तो स्मार्ट ही होनी चाहिए ना। इट्स, डोंट माइंड, ही इज नेचुरली फनी। इट्स ऑलराइट। वैसे शादी आपकी है, सबसे शानदार तैयारियां कर दी है मैंने, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। आपकी शादी की हर चीज यादगार होनी चाहिए और उसे हम जरूर बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच। रोहन, पता नहीं कहाँ चले गए सब लोग। रोहन, चांदनी, कौन है वहां पर? कौन है? कौन है यहाँ पर? कौन है वहां पर? कौन है?
अरे चुपचाप क्यों खड़े हो, बोलती क्यों नहीं कुछ? कौन है वहां पर? कौन है? चली जाओ यहां से और वापस मुड़ के कभी नहीं आना। वो आ गया है, वो आ गया है। कौन आ गया? वो आ गया है। छोड़ो, छोड़ो। जानवी, क्या बात है, यहाँ क्या कर रही हो? आसम, आप एक लेडी है जिसने मेरा हाथ पकड़ा, वो पता नहीं क्या क्या बोल रही थी मुझे। आसम प्लीज। अच्छा सुनो सुनो, काम डाउन काम डाउन। देखो उस औरत से दूर रहो, वो हमारे रिसॉर्ट की पुरानी एम्प्लॉई है, थोड़ी सी पागल है, और वो कुछ भी कहे ना तुम सुनना नहीं, ठीक है? अरे चांदनी, अभी तो पार्टी की सारी तैयारियां करनी है, चलो बहुत काम बाकी है, चलो चलो, कम ऑन कम ऑन, चलो चांदनी कम। हाय चांदनी, कॉन्ग्रेचुलेशंस। इतने अच्छे दोस्त रहे हैं, फिर तुम्हारा इतना बड़ा दिन मैं कैसे मिस कर सकती थी? तुम्हारी शादी में तो कैसे भी करके आना ही था, सो आ गई। क्या हुआ, तुम लोगों को खुशी नहीं हुई मुझे देखकर? वेल प्रिया, अभी हम लोग तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे। व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। तुम कहाँ चली गई थी? थोड़ा दूर चली गई थी, पर अब वापस आ गई हूँ। क्यों चांद, मुझे देखकर खुशी नहीं हुई तुम्हें? प्रिया दीदी, प्रिया, नाइस टू मीट यू, कम ऑन जॉइन अस। मेरे लिए कमरा बुक नहीं कराया तुमने? अरे आइए ना, मैं आपको कमरा दिखाती हूँ, चलिए। प्रिया के हाथ बिल्कुल ठंडे थे, बर्फ की तरह। कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे, ये वापस कैसे आ गई चांदनी? ये जिंदा कैसे? आई हो
होप आपको हमारा ये वाला कमरा पसंद आएगा। वैसे डिनर और पार्टी एक घंटे में शुरू हो जाएगी। अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बुला लीजिएगा। एक एक्स्ट्रा बेड लगवा दो यहाँ। एक्स्ट्रा बेड? क्या कोई और गेस्ट भी आने वाला है? आप किसी को एक्सपेक्ट कर रही हैं? मुझे अकेले सोने की आदत है। क्या मतलब? जितना कहा है उतना करो। जी ठीक है, मैं अभी भिजवाती हूँ। क्या कर रही हो तुम यहाँ पे? मैंने बाहर म्यूजिक की आवाज सुनी तो सुनते सुनते यहाँ चली आई। वैसे दीदी बहुत ही प्यारा म्यूजिक है, कहाँ से आ रही है आवाज? ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, क्या है ये दीदी? कितना खूबसूरत है ये। अब प्लीज इसे रख लो थोड़ी देर के लिए। हाथ मत लगाना इसे। अब मना क्यों कर रही हो दीदी? एक तो वैसे इतने साल बाद आई हो, ऊपर से कोई गिफ्ट तक नहीं लाई मेरे लिए। मना कर इसे। मैं आपसे गिफ्ट लेकर ही रहूंगी और यही लूंगी। इसे मत देना। मैं तो ले रही हूँ। बाबा प्रॉमिस जल्दी लौटा दूंगी इसे, ठीक है? चलो मैं जा रही हूँ, सी यू एट द पार्टी। क्या हुआ, तुम क्यों चिल्ला रही हो सिमरन? दीदी मेरे पीछे कोई है, बहुत डरावना सा। अच्छे तो कोई भी नहीं है सिमरन, तुम क्या कह रही हो? पता नहीं दीदी, दीदी उसने कहा कि मेरा नाम जॉनी है। क्या बकवास कर रही हो तुम सिमरन? जॉनी? जॉनी तो यहाँ आ ही नहीं सकता, तुम क्या कह रही हो? चांदनी, चांदनी डोंट स्क्रीम, चुप हो जाओ। अरे ये कौन जॉनी? नहीं रोहन कुछ नहीं, हम बस ऐसे ही बातें कर रहे थे। लेकिन लेकिन जॉनी है, मैंने खुद देखा। शट अप सिमरन, एक छोटी सी बात समझ नहीं आती तुम्हें? एक बार बताया ना यहाँ कोई नहीं है, जा जा अपने कमरे में जाओ। मेरी क्या गलती थी, सबके सामने मुझे डांट दिया। वो तो स्टूपिड जॉनी परेशान कर रहा था, उसको समझाने के बजाय मिले मुझे दोबारा, बताऊंगी उसे।
पता नहीं कहाँ छिपके बैठ गया है। तुम्हारे पीछे सिमरन। कौन है वहाँ? सिमरन, इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम ठीक तो हो ना? और ये क्या लेके घूम रही हो तुम? गिफ्ट। गिफ्ट? आपके लिए। पर सिमरन, गिफ्ट की क्या जरूरत है? तुम भी ना, ये गिफ्ट क्यों लाई हो? नहीं दीदी, मना मत करो, बहुत मन से लाई हूँ। पहली शादी की तैयारियों में बिजी थी तो दे नहीं पाई थी, सोचा अभी दे दूं। ओके ठीक है, दो। थैंक यू सो मच। चलो अंदर तो आओ। नहीं दीदी, मैं बहुत थक गई हूं, मैं सोने जा रही हूं। सिमरन, चांदनी दीदी, ये गिफ्ट अभी खोलना मेरे जाने के बाद। ऐसा क्या खास है इसमें? एक काम करो, तुम ही खोलो। स्पेशल गिफ्ट है आपके लिए, खुद ही देख लेना। स्पेशल गिफ्ट? जॉनी, तुम्हारे लिए स्पेशल गिफ्ट लाई, इसे हमेशा अपने पास रखना। ओके बोलो। मैं इसे हमेशा अपने पास संभाल कर रखूंगा। ये तो वही म्यूजिक बॉक्स है जो मैंने जॉनी को दिया था, लेकिन ये सिमरन के पास कैसे आ गया? डर गई।
नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम्हें क्या लगा प्रिया चली गई तो चली गई, कभी लौट कर नहीं आएगी? तो मर चुकी हूँ। याद है 5 साल पहले तुम और जिमी मुझे जानी के पास मरने के लिए अकेला छोड़ गए थे, कोई बचाने नहीं आया था, याद है तुम्हें? जानी, जानी बचाओ मुझे, बचाना चाहते थे, लेकिन उस वक्त कुछ समझ नहीं आया, हम बहुत डर गए थे प्रिया, इसीलिए हम भाग गए। ये माफ कर दो। मेरे माफ करने से कुछ नहीं होगा चांदनी, क्योंकि तुम्हें मैं नहीं मारूंगी, वो मारेगा तुम्हें। अब मुझे तुम्हारी जान लेने ही नहीं देगा, जॉनी तुम्हारी जान लेगा चांदनी। जॉनी? हाँ जॉनी। लगाई जा रही है, अरे मैं भी लगा देता हूं, बहुत अच्छी मेहंदी लगाता हूं जी। क्या बात है, आप लोग यहां मेहंदी लगा रहे हैं जिसकी शादी इसका पता ही नहीं है, ना सिमरन का पता ना चांदनी का। अरे तुम्हें तो पता ही है उसे कितना टाइम लगता है तैयार होने में, रुक जाओ आ जाएगी। मैं चेक करके आता हूं जरा। ए हेलो, कहां मिस्टर, अभी तक शादी नहीं हुई है क्या, आप कभी भी हमारे दोस्त के रूम में चले जाए। हां हां वेरी फनी, मैं तो बस चेक करने जा रहा हूं कि वो तैयार हुई है कि नहीं हुई। चांदनी, ये आवाज कहां से आई है? चांदनी, चांदनी, चांदनी से शादी करेगा तू? चांदनी सिर्फ मेरी है, वो किसी और की नहीं हो सकती। मार डालूंगा तुझे, नहीं छोड़ूंगा। छोड़ मुझे, छोड़, छोड़ो मुझे, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दे, छोड़ दे मुझे, मार डालूंगा। नहीं रोल, रोल वो चांदनी नहीं थी, तुमने वो आवाज सुनी, वो आवाज भी चांदनी की नहीं थी। रोहन मुझे ऐसा लगता है कि चांदनी में कोई घुस गया, और अगर उसके कुछ हो गया तो। अरे नहीं विक्की, चांदनी को कुछ नहीं होगा, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा विक्की, है ना केमी? यहां पे इतने सारे लोग थे, लेकिन ये सब चांदनी के साथ ही हुआ। अगर तुम कुछ जानती हो तो प्लीज देखो मुझे सब कुछ सच सच बता दो। ये जॉनी कौन है केमी? ये जॉनी कौन है किमी? जॉनी, जॉनी
तुम्हारी जिंदगी का सबसे खौफनाक पन्ना था जिसे 6 साल पहले चांदनी और मैं बंद करना चाहते थे, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि वो इस तरह से लौटेगा। चांदनी, मैं और प्रिया एक रात प्रिया के घर पे एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे थे और उस दिन जॉनी हमारी जिंदगी में आया। जॉनी हमारा नेबर था, बहुत फ्रेंडली लड़का था। हमारी आते जाते उससे दोस्ती हो गई। वो खासकर चांदनी से अटैच्ड था। जॉनी अपनी स्टेप मदर के साथ रहता था। हमने ना तो कभी जॉनी की सिस्टर को देखा ना ही उसकी मॉम को। एक दिन जॉनी ने एक बहुत बुरी हरकत कर दी चांदनी के साथ। चांदनी वो शॉक्ड और चांदनी ने उसे थप्पड़ मार दिया। हम लोगों ने उसे कह दिया कि अब कभी हमारे पास नहीं आना, अपना मुंह मत दिखाना। बस उसके एक दिन बाद पता चला कि जॉनी ने छत से कूदकर सुसाइड कर लिया। उसकी बहन उसको बचाते बचाते खुद भी गिर गई और उसकी माँ अचानक घर में 2 डेथ्स को हैंडल न कर पाने की वजह से शॉक से मर गई। तीनों एक ही रात में खत्म हो गए। लेकिन उसके बाद हमने वो घर छोड़ दिया, लेकिन जॉनी ने हमें कहा था कि वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा और उसकी ये बात सच हुई जब प्रिया ने अपना घर बेचने का फैसला किया और पता नहीं कैसे जॉनी के घर में कैद हो गई। रोहन, मैं उसका अगला शिकार, वो मुझे भी नहीं छोड़ेगा, मुझे भी मार डालेगा। मरना तो तुम सबको पड़ेगा। सब मरोगे। आस्था, क्यों मुझे भूल गए तुम? जॉनी की एक बहन जो बीमार, बहुत बीमार रहती, अपने कमरे से कभी नहीं निकलती, जिसे तुमने कभी देखा नहीं था। तुम जॉनी की बहन हो, मतलब तुम भी? हाँ, मैं भी मर चुकी हूँ। उसी दिन मर गई थी जिस दिन मेरे भाई को मार दिया गया था। मेरा एक ही भाई था जिसे मैं बहुत प्यार करती थी, उसे अकेले कैसे जाऊं? इसलिए उसके पीछे मैं भी मर गई। जिंदा रहते हुए हमारे कोई दोस्त नहीं थे, अब मरने के बाद हम सब साथ रहेंगे। तुम सब मरोगे।
रुक जाओ उसको, तुम बीच में मत आना। जॉनी को रोकने का एक ही तरीका है, किसी एक इंसान को उसके बॉक्स को हाथ में लेके अपनी जान देनी होगी। उस बॉक्स को हाथ में लेते ही जॉनी की आत्मा उसमें घुस जाएगी और उस इंसान की मौत के साथ जॉनी की आत्मा को भी खत्म होना पड़ेगा। जाओ रोहन। म्यूजिक बॉक्स जल्दी, म्यूजिक बॉक्स ढूंढो जल्दी। मार डालूंगा, मार डालूंगा। डालूंगा, दे दो मेरा म्यूजिक बॉक्स, दे दो मेरा म्यूजिक बॉक्स। चांदनी, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। चांदनी, चांदनी, मार डालूंगा, मार डालूंगा। नहीं छोड़ूंगा तुझे। नहीं चांदनी, मेरा म्यूजिक बॉक्स दे दे, ये मेरा है। मार डालूंगा। तुमने बहुत गलत सोचा आस्था, इसलिए ना तुम्हारा तब भी कोई दोस्त था और ना अब होगा। चांदनी, 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 यू ओके? चांदनी, क्या हुआ था मुझे? किमी, किमी, क्या हो गया तुम्हें? सिमरन उठो, सिमरन। बस चांदनी, बस। अब जॉनी हमारी जिंदगी में कभी नहीं आएगा। कभी नहीं। चल क्या कर रहा है तू यार? अरे चल पक्या चल। इधर क्यों लेके आया मेरे को? तेरे को पता है ना मेरे को डर लगता है। पक्या तू ना एक नंबर का डरपोक है, डरपोक। सुन मार बार मार, पता है मैं कितने बार आया हूँ? आजा, मेरे को इधर नहीं जाने का है ना। पक्या ये देख। लगता है आज आज ही आया है, एकदम फ्रेश है, फ्रेश। देख लिया, अब चल यहाँ से। अरे यार बहुत देर हो रही है, बहुत। चल पक्या सुन ना मेरी बात, तू ना लड़की की तरह रोता है, तू चल यहाँ से। सुन तुम नाम है कोई, बदनाम है कोई। मजाक मत कर, ऐसी जगह पे मजाक करना अच्छी बात नहीं है, तू घर चल यार। पक्या तू ना मेरा दोस्त बुलाने के लायक नहीं है। बिंदास पर बिंदास, मेरी आत्माएं भी डरेंगी। यार ऐसी जगह पे मजाक नहीं करना चाहिए, समझ नहीं रहा क्या? आएगा, आएगा। सुरेश तू पागल हो गया है क्या?
मैं बोल रहा है तेरे को कि इधर बदाग नहीं करना चाहिए, तू फालतू गिरी क्या यार। सुरेश सुरेश कहाँ गया तू? सुरेश बाहर निकला भाई, अरे वो घर जाने का। कौन है वो? सुरेश तू है ना उधर? सुरेश मैं बोल रहा है तेरे से बात नहीं करेगा मैं, सुरेश बाहर आ जा। राजा मेरे को घर जाना है। ओए तू ना एक नंबर का पट्टू है पट्टू। क्या अब तू कहाँ पे चला गया बे? अच्छा चल अब नहीं डरा था तुझे। कहाँ पे? क्या चल निकलते। अच्छा सुन ना, वो कुल्फी वाले के पास जाते ना, आज मूड हुआ है यार मलाई कुल्फी खाने का। हाँ चल आजा। शर्म नहीं आती तुम्हें? बड़ों से बात करने की तमीज नहीं तुम्हें? बिहेव योरसेल्फ। वाह भाई वाह, इंग्लिश भी बोलना सीख गया तू। वो क्या बोल रहा था तू? बिहेव। फिर से तो बोल देना। हाँ यार पक्या बोला ना, अच्छी एक्टिंग है। चल आजा चल निकलते। डोंट यू अंडरस्टैंड कि मरे हुए लोगों के साथ मजाक करने की सजा बहुत बुरी हो सकती है? सो बिहेव योरसेल्फ एंड गेट लॉस्ट। कोई आवाज नहीं, समझा? समझा। आओ, एक बार सोचना। बड़ी खतरनाक गुड़िया रहती है अंदर। ये खतरनाक गुड़िया तो गई, अंदर कोई भी नहीं है, समझा? डरने का नहीं। बे जाने डर बचा। बॉस, कुछ था वहाँ पे? कहाँ पे? सर, अभी उधर कोई भी नहीं है। इतनी रात में कौन आएगा? भाग भाग, कोई है उधर? अबे कोई भी नहीं है यहाँ, हम तीनों के अलावा कोई भी नहीं है। अबे जाने तू, ये जाना। एक बात अच्छे से सुन ले, मुझे एक हफ्ते के अंदर, सुन रहा है, एक हफ्ते के अंदर मुझे वो घर खाली चाहिए। तू किधर जा रहा है पकिया? ये बड़े लोग हैं, अगर सिक्योरिटी पकड़ लेगी तो फटके पड़ेंगे यार। गलती तो मेरी है कि मैंने तुम जैसे निकम्मों को ये काम सौंपा। अब चल फोन रख और काम कर। कौन हो तुम? सिक्योरिटी
इसको अंदर किसने आने दिया? बाहर निकाले इसे। मुझे बाहर निकालेगा श्रीकांत? कौन है तुम? मुझे पहचाना है तुमने? गौर से देखो। कौन हो तुम? सिल्विया। कुछ याद आया? रोजेन मनोर की ओनर सिल्विया, जिसका घर हथियाने के लिए तू कुछ भी कर सकता है। सिल्विया, ये नहीं हो सकता। कैसे वापस आ सकती है? मैं वापस आ गई हूँ श्रीकांत, और अब तू जाएगा। पागल हो गया क्या? अरे छोड़ ना उसको, चलना पक्या। रोजलिन मैनर को तोड़कर तू अपनी बिल्डिंग बनाना चाहता है ना? नहीं। वो घर मेरा है और मेरा ही रहेगा हमेशा। से आ गई। पक्या, क्या हो गया तेरे को? तू क्या अंदर बोल रहा था? हाँ पक्या, मैं तुझसे बात कर रहा हूं, तू सुन रहा है मुझे? पक्या, ये क्या हो रहा है ये सब? पक्या ऐसा क्यों कर रहा है? ऐसा क्या इस जगह में कि तुम इतनी रात गए कब्रिस्तान में क्या कर रहे? जी जी वो मैं वो... अच्छा, दिस इज सिल्विया के कब्र पे फूल चढ़ाने आए हो? हाँ। ये है उनका कब्र। पक्या इधर खड़ा था। चलो चलो जल्दी प्रेयर करो, इतनी रात गए, यहाँ पे किसी को अलाउड नहीं है। जी। बेचारी मिसेस सिल्विया बहुत अच्छी लेडी थी, सबको बहुत प्यार करती थी। हमें तो यकीन ही नहीं होता अचानक उनकी डेथ हो गई। बेचारी। लेकिन तुम मिसेस सिल्विया को कैसे जानते? जी वो उधर। अच्छा तुम उनके घर पे काम करते हो? वो बड़ा सा मकान, क्या नाम है, रोजलिन मनोर, तुम वहीं काम करता था ना? हाँ। बेचारी मिसेस सिल्विया, उनकी इकलौती बेटी रीटा अकेली रह गई। ये बता कब आएगी, इतनी देर हो गई। देख मेरे सब्र का इम्तिहान मत ले, जल्दी से फोन लगा, पता कर कि कहाँ है। और हाँ, जिसे चूज किया था वही आनी चाहिए। याद आ गई। आ रहा हूँ आ रहा हूँ। अरे तू तो मुझसे ज्यादा बेसब्री हो रही है। होल्ड ऑन बेबी। अरे बे तू, ये घंटी क्यों बजा रहा था? जानता है किसका घर है? चल भाग यहां से ब्लडी रास्कल।
कौन है तू? क्या हुआ दीपक, पहचाना नहीं मुझे? अपने क्लाइंट को इतनी जल्दी भूल गया? क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? कौन हो तुम? मेरे घर का ख्याल रख रहे हो ना तुम? प्रॉमिस किया था ना तुमने मुझसे? सिलिया, आप तो मर चुकी थी। नहीं, ये कैसे हो सकता है? देखो, तुम जो चाहोगी करना, प्लीज माफ कर दो। तुझे माफ कर दूं मैं? हाँ, मैं सिल्विया, वही सिल्विया जिसने तुझ पे ट्रस्ट किया और तूने मुझे धोखा दिया। तूने श्रीकांत के साथ मिलकर मेरे घर को छीनने की कोशिश की। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। छोड़ दो। माफ कर दो मुझे। मेरा लॉयर बनके तूने मुझे ये केस हराने का प्लान बनाया? बखिया, ये तूने क्या किया? साहब को मार दिया? Thank you.
जो कोई भी है सामने आ जाओ वरना। कौन है? रीटा। कौन हो तुम? अंदर कैसे हैं? तुम श्रीकांत के आदमी हो ना? उसी ने भेजा है ना तुम्हें? श्रीकांत, फिर कुछ कहा उसने तुमसे? फोन किया? हाँ, बहुत परेशान कर रहा है ना वो तुम्हें? बताओ ना रीटा, टेल मी। कौन हो तुम? रीटा, इट्स मी, मामा। मामा? अरे डरो मत। रीटा, बेटा उठो। सब ठीक तो है ना? हाँ, अरे अरे जूते किसके किसके जूते हैं ये? मेरे हैं, और मेरा नाम पकिया नहीं, सिल्विया है। बाय द वे, तू कौन है? गो अवे। ये क्या हो रहा है ये सब? ऐसा क्या हुआ था कब्रिस्तान में जो पकिया की सटक गई है? जूते? हम जब कब्रिस्तान गए थे तब पकिया ने चप्पल पहनी थी। तो इसका मतलब है वो जूते। अच्छा, मिसेस सिल्विया की कब्र पे फूल चढ़ाने आए हो? ये है उनका कब्र। अरे हाँ, जो सारा गड़बड़ हुआ है वो जूतों के वजह से हुआ है। रोजलिन मनोर की ओनर सिल्विया। सिल्विया, इसका मतलब है वो जूते पकिया से अलग करने पड़ेंगे। सिल्विया मैडम, सिल्विया मैडम, मेरा नाम सुरेश है, मैं इधर ही फुटपाथ पे सोता हूँ, जूते पॉलिश करता हूँ। मैडम, आज सुबह से एक ग्राहक नहीं मिला। मैंने आपके जूते देखे, वो बहुत मैले, मैं साफ कर देता हूँ ना मैडम। एक बार बोला ना, मैडम सुबह से बोनी नहीं हुई। मैडम, आपने अगर साफ नहीं करवाया तो मैं खाना नहीं खा पाऊंगा। मैडम, दो मिनट, मैं साफ करके देता हूँ। यहाँ पे बैठो ना मैडम। आ जा। क्या? तू ठीक है ना? मैं यहाँ कैसे आया? मैं क्या कर रहा था यहाँ? तू मुझे पहचान सकता है? देख मुझे देख। सुरेश, तू पागल हो गया है क्या? मुझे ये बता, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मेरा शरीर बड़ा थका थका महसूस कर रहा है। मैं क्या कर रहा था यहाँ? क्या हो रहा था यहाँ? मैं तुझे सब बताता हूँ, ठीक है? टेंशन मत ले, मैं हूँ ना। आ जा, चल मैं तुझे लेकर जाता हूँ। सर, आ जा, चल चल चल, संभाल, आ जा। पक्का तेरे को पता है अगर मैं वो जूते नहीं फेंकता तो तेरे साथ क्या होता? मैं डर गया था यार, तू बुड्ढी के जैसे बोलने लग गया था। हाँ, ओ जूते के वजह से सब गड़बड़ हुई। वो तो अच्छा हुआ कि जूते से छुटकारा मिल गया अपने को। हाँ,
क्या तू ना टेंशन मत ले, तू अभी के लिए खाना खा। हाँ क्या तुझे पता है गधा मैं ही हूं, मुझे तेरे साथ जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए थी कब्रिस्तान में, मुझे माफ कर दे पक्या। नहीं रे सुरेश, गलती मेरी थी, मेरे क्या जरूरत थी वो जूता पहनने की। दलजीत मुझे यकीन हो गया है सिल्विया वापिस आ गई, उस लड़के के जरिए उसकी आत्मा वापिस आ गई है। श्रीकांत से क्या आप भी बच्चों की तरह आत्मा वात्मा? मैंने सब पता लगा लिया है, दीपक के कई और दुश्मन भी थे जिनमें से कई उसे मारना चाहते थे। तुमने उसकी लाश देखी? देखा तुमने किस तरह से मारा है उसे? नहीं नहीं दलजीत, मुझे यकीन हो गया है, अरे वो लड़का उसकी तरह नहीं दिखता पर उसकी तरह बोलता है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं दलजीत, क्या करूं मैं? सेठ सेठ, मेरे को लगता है कि आप खाली टेंशन में इधर की चीज उधर जोड़ रहे हो। अभी सारा झमेला मेरे ऊपर छोड़ दो, आप अपना ध्यान रखो ठीक है? अपना ध्यान रखूं? अपना ध्यान रखूं कैसे? सुनो, कोई भी अंदर नहीं आना चाहिए ऑफिस में, कोई मतलब कोई नहीं अंदर घुसना चाहिए, अंडरस्टैंड? कोई नहीं चाहिए ऑफिस में, कोई नहीं चाहिए। श्रीकांत, ये कागजात मेरे हैं ना? कौन है? कौन है? कौन है? हाँ? कोई तो नहीं, मुझे लगता है मैं टेंशन में हूं इसलिए ये सब हो रहा है। कोई भी तो नहीं? ओफ। ये जूते किसने रखे? यहां सब के सब सिक्योरिटी, ये जूते, जूते जूते कहां? यही तो थे जूते, कहां गए जूते? ये लोग सब के सब की कोशिश कर रहे हो श्रीकांत, अब कोई जगह तुम्हें मुझसे नहीं बचा सकती। सिल्विया मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मैंने कुछ नहीं किया सिल्विया, मैंने कुछ नहीं किया। मैं दोबारा कभी ऐसा नहीं करूंगा सिल्विया, मुझे माफ कर दो। दूसरे मौके के लिए तुम जिंदा ही नहीं रहेगा श्रीकांत। चल तैयार हो जा,
जाने का नहीं है, काम नहीं करने का है आज? नहीं रे सुरेश, मैं 2-4 दिन यहीं रुकेगा। अरे घर पे बैठेगा तो तेरा दिमाग खराब होगा। तू मेरी बात सुन, तू चल। नहीं रे सुरेश, तू जा। सुरेश, ये जूते की आवाज कहां से आ रही है? मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मैं कुछ करता हूँ, ठीक है? सुरेश, जान से हाथ मत लगाना। छोड़ पके वो रद्दी वाले के पास जाते हैं, उसने बुलाया था ना? हाँ, भूल जा, भूल जा। हाँ, चल चल चल। तो क्या, तो क्या बेचारी मिसेस सिल्विया, उनकी इकलौती बेटी रीटा अकेली रह गई। कल रात शहर के जाने माने बिल्डर श्रीकांत बिल्डर्स के मालिक मिस्टर श्रीकांत का उन्हीं की ऑफिस में बहुत बुरी तरीके से मर्डर हो गया। अब तक इस केस में ना ही कोई सबूत मिला है और ना ही कोई गवाह। मिस्टर श्रीकांत की पर्सनल सिक्योरिटी भी बहुत खौफ में है और जवाब नहीं दे पा रहे। It's me, Mama. मेरे होते हुए तुम्हें कोई तकलीफ नहीं पहुंचा सकता। कौन है? कौन बोला? कौन बोला? रीटा, It's me. यो मामा, सिल्विया, अरे घबराओ नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। ये घर रोजलिन मनोर हमारा है और ये हमारा ही रहेगा। मेरे बाद इस पर सिर्फ तुम्हारा हक बनता है और तुमसे वो हक कोई नहीं छीन सकता। डोंट बी स्कैर्ड बेटा, इधर आओ मेरे पास। जब तुम 14 साल की थी, तुम्हें मलेरिया हुआ था, तुम्हें ठीक से नींद नहीं आ रही थी, तो रात भर जाग के मैंने तुम्हें लोरी सुनाई थी, याद है ना? नन्ही परी सोनी चली हवा धीरे आना, याद है ना रीटा? तुम्हारे पापा की डेथ के बाद तुम्हें अंधेरे से डर लगने लगा था और इसीलिए तुम लाइट ऑन करके सोती थी। वो आदत तुम्हारी अब तक नहीं बदली ना? हाँ बेटा। मामा, oh
मैडम, मेरा नाम सुरेश है, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मैडम, सिल्विया आंटी का भूत मेरे दोस्त पकिया के बॉडी में घुस गया है और वो आत्मा सब उल्टा पुल्टा कर रही है। पुल्टा पुल्टा मतलब? उसने सबसे पहले वकील का खून करवा दिया और फिर वो बिल्डर है ना श्रीकांत, उसके ऑफिस में घुसकर धमकी देकर आ गया। मैडम, मैं ये तो नहीं जानता कि इन लोगों के साथ आपका क्या मैटर है, लेकिन मैडम प्लीज मेरे दोस्त को बचा लो। मैडम, श्रीकांत मर चुका है। तुम्हारा दोस्त आया था मेरे पास, उसके थ्रू मैंने अपनी मामा से बात की। श्रीकांत पिछले 2 सालों से हमारे इस घर को किसी ना किसी तरीके से अपने नाम पर करवाना चाहता था, इसीलिए शहर के फेमस लॉयर दीपक को हायर किया गया ताकि वो एक केस लड़े, और वो फ्रॉड निकला। वो लड़ तो हमारे तरफ से रहा था पर आदमी श्रीकांत का निकला, उसने डबल क्रॉस किया हमें। श्रीकांत ने नकली पेपर्स बनवाए और मुझे घर से बाहर निकालने की धमकी दी। ये सब चीजों का बदला लेने के लिए मम्मा वापस आई। पर मैडम, आपके इस आपस के लड़ाई में मेरे दोस्त का क्या लेना देना? हमें पुलिस की हेल्प लेनी चाहिए। नहीं नहीं मैडम, पुलिस नहीं, मर्डर के जुर्म में वो मेरे दोस्त को ही अंदर डाल देंगे। You're right. पर फिर मम्मा कहाँ गई होंगी? दीपक का खून हो गया, श्रीकांत भी नहीं बचा, तो फिर कोई फटाफट कर, साहब की गाड़ी है, जल्दी देनी है, जा दूसरा पाना लेके आ। दलजीत, सच सच बताना, क्या तुमने मेरी मॉम की कार जानबूझकर खराब की थी? क्या तुम्हें ऐसा करने के लिए किसी ने पैसे दिए थे? मैं ऐसा क्यों करूंगा रीटा जी, गाड़ी मैंने एकदम फर्स्ट क्लास बना के दी थी। आप चाहो तो पुलिस से पूछ लो, उन्होंने मेरे से पूछताछ की थी। देख दलजीत, अभी भी तेरे पास वक्त है, जो कुछ भी बोलना है बोल दे, वरना वो वकील के जैसे तेरा भी मर्डर हो जाएगा। तुम हमसे तो सच छुपा सकते पर उनसे नहीं। देखो, मॉम की आत्मा अपनी मौत का बदला लेने के लिए आ चुकी। आत्मा, खून, मर्डर, इतनी देर से तमीज से बात कर रहा हूं, चढ़े जा रहे हो मुझ पर? अरे कह दिया कुछ नहीं किया तो नहीं किया, और ये जो तुम शान पत्ती दिखा रहे हो ना बात निकलवाने की, ये अपनी जेब में डाल के रखो। दलजीत, तुमने मेरी मॉम के कार के साथ क्या किया था? बहुत सारा काम है मैडम, मैं यहाँ आपकी धमकी सुनने के लिए नहीं बैठा हूं। अरे राजू लाना पाना। लगता है हमें पुलिस की हेल्प लेनी होगी। पाना ला। इतना काम पड़ा है, साला दिमाग खराब करके रख दिया। अरे राजू, ये कवर वाली गाड़ी किसकी है?
बेटी, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। मुझे मत मारो। I'm sorry। मुझसे करवाया गया था हार्ट इंप्लांट, पैसे देके मुझसे करवाया गया था। मैं आपको नहीं मारना चाहता, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मरते मरते भी तू इसी झूठ के साथ मरेगा? नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। नहीं होगा। I will always take care of you. मेरी वजह से तुम दोनों को बहुत परेशानी हुई, पर मामा ने घर बचा लिया। I'm really sorry for everything। हो सके तो मुझे माफ कर देना।